न्यू संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर की हत्या मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने पांचवें आरोपी को भी किया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर आरोपी को भेजा गया जेल। बता दें कि रीवा जिले में जहां बीते दिनों न्यू संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर की पीट पीट कर की गई निर्मम पूर्वक हत्या, जिसमें पुलिस ने पांच लोगों को आरोपी बनाया था, सिविल लाइन पुलिस ने चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। पांचवा आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर की हत्या मामले में पांचवें आरोपी को 3 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस रिमांड लिया गया था। पूछताछ में पुलिस ने पांचवें आरोपी के पास से अहम सुराग मिले हैं। आरोपी का नाम राजकुमार तिवारी बताया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी भी विवेचना जारी है, कुछ आरोपियों के और नाम सामने आ सकते हैं जिस पर कार्रवाई की जाएगी। आयुर्वेद के डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की जो हत्या 19 तारीख को हुई थी, उसका जो पांचवा आरोपी है 3 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका पुलिस रिमांड लिया गया था और जो उससे पूछताछ की गई, जिसे बहुत महत्वपूर्ण उसमें तथ्य सामने आए हैं और आज उसको JRP माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया है। राजकुमार तिवारी उनका नाम है, वार्ड क्रमांक 9 आनंदपुर थाना विश्वविद्यालय रीवा का निवासी है। पूरे आरोपी पांचों गिरफ्तार हो गए, पांच गिरफ्तार हो गए, अभी विवेचना में प्रकरण है। इसमें आरोपियों की कुछ आरोपियों के नाम और सामने आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी बाद में की जाएगी।